प्यारे दिल्ली वासियों, आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे कि इस देश के अंदर आज जो न्याय प्रणाली है उसके अंदर 3 से 4 करोड़ केस लंबित हैं अलग अलग न्यायालयों के अंदर, और बहुत सारे केसों में देखना आया है कि डेलिबरेटली जो पुलिस है वो खास तौर से जब अपराध करने वाला कोई हाई प्रोफाइल व्यक्ति या पुलिसकर्मी होता है तो वो उस कोर्ट की प्रोसीडिंग को डिले करने का प्रयास करती है, अपनी अलग अलग टैक्टिक्सों का इस्तेमाल करती है कि मैं आज इस कोर्ट में बिजी हूं, मेरा यहां अरेंजमेंट की ड्यूटी लग गई, मुझे नोटिस सर्व नहीं हुआ, मैं छुट्टी पर था। जबकि इन सबके पास फोन होते हैं थाने में, इनके सबके नंबर होते हैं घर तक के, और इमरजेंसी में ये सब लोग ऑफिसर इनके संपर्क में रहते हैं। लेकिन इसकी जिम्मेवार मैं समझता हूं कि जहां इतने बड़े केसों की लंबिंग पेंडिंग की समस्या बढ़ती आ रही है, हर केस के अंदर एवं कोर्ट के अंदर 3 गुना के लगभग 4 गुना के लगभग केसेस जो उसकी कैपेसिटी है हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार उससे ज्यादा है, जिसकी वजह से न्याय मिलने में देरी होती है। और जब न्याय मिलने में देरी होती है तो विक्टिम के, एक्यूज के और जो विटनेस होते हैं उनके बयानों में कॉन्ट्राडिक्शन आनी शुरू हो जाती है, और पुलिस इसका बेनिफिट लेती है और केस कमजोर हो जाता है बयानों में कॉन्ट्राडिक्शन आने की वजह से, और बहुत सारे एविडेंस भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अभी मैंने कुछ और आंकड़े जब इसके बारे में इकट्ठे किए आरटीआई के और अलग अलग माध्यमों से, बहुत सारे अधिवक्ताओं से मैं मिला, खासतौर से रोनी कोट बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं का मार्गदर्शन मेरे लिए हमेशा रहता है। अब जानकारी में ये बात आई कि इस देश के अंदर 75% आदमी ऐसे हैं जिनको 2 टाइम का खाना नसीब नहीं होता, आज के आंकड़े हैं ये। पिछले मैं ये भी कहना चाहूंगा कि 50% इस देश की फैमिली ऐसी हैं जिनकी आज भी 10,000 से कम परिवार की इनकम है। तीसरा आंकड़ा मैंने पता किया कि 23% ऐसे परिवार हैं इस देश की जनसंख्या के जो जन्म से पैदा होने से लेकर जब हॉस्पिटल में वो पैदा होते हैं तो वहां पे वो पैसा देना शुरू करते हैं दवाइयों का, ऑपरेशन का, हॉस्पिटल्स का, और जब मरते हैं तो वहां पे जो देसी घी या हवन सामग्री और जो जिस तरीके के टैक्सेस पे किए जाते हैं तो उनका पूरा जीवन सरकारी फॉर्मेलिटीज के टैक्सेस में और इसी में निकल जाता है पूरा जीवन पैदा होने से लेकर मरने तक। और 2% लोग ऐसे हैं जो इतने सक्षम होते हैं कि वो हाईली एक्सपीरियंस लॉ पीपल्स को एंगेज कर लेते हैं। तो ऐसे समय बड़ी गंभीर समस्या पैदा होती है कि देश के अंदर जिन लोगों ने, जिनके लिए ये समाज, ये कानून, ये व्यवस्था बनी है न्याय प्रणाली की, जो 26/11/1949 में हमारे सीनियर देश के नेता और महापुरुष आदरणीय डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने के सुपरविजन में ड्राफ्ट हुआ था, और 26/1/1950 को ये देश को सौंपा गया था, और हर साल एक फेस्टिवल के तौर पर इस देश में इसको मनाया जाता है, इस कॉन्स्टिट्यूशन डे को रिपब्लिक डे के नाम से हम जानते हैं। साथियों, मैं ये बात करना चाहता हूँ कि जब एक व्यक्ति कोई क्राइम करता है, हर थाने में, डिस्ट्रिक्ट में आप सब जगह देखोगे, ऐसा कहीं कोई स्पेस नहीं है कि जब कोई आदमी थाने में पहुंचता है तो उसको कोई उसके कानूनी अधिकार के बारे में काउंसलिंग करने वाला हो। थाने के अंदर दिखावे के लिए हेल्प डेस्क होती है, लेकिन वो बिल्कुल जीरो है। किसी भी कैमरे के खड़े होकर नीचे देख लो, कोई उसको ये नहीं बताता कि उसका कानूनी अधिकार क्या है, किस सेक्शन के अंदर वो क्या कर सकता है, उसकी क्या पावर्स है, और उन पावर्स का वो कैसे इस्तेमाल कर सकता है जस्टिस पाने के लिए, माननीय संबंधित न्यायालय तक वो कैसे पहुंच सकता है। मेरा इस आज शब्दावली के माध्यम से हमारे देश के गृह मंत्री, दिल्ली पुलिस के कमिश्नर और हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय और देश की उच्च न्यायालय और डिस्ट्रिक्ट, सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस से आज मेरी ये गुजारिश है कि वो इन चीजों को समझें, बारीकी स्तर पर, जमीनी स्तर के ऊपर देखें कि हर थाने के अंदर गेट के बाहर कम से कम 5 से 10 जगह ये डिस्प्ले होना चाहिए ड्यूटी ऑफिसर के ऊपर, बड़े बड़े शब्दों के अंदर, हेल्प डेस्क के ऊपर, थाने के गेट के बाहर, कि अगर उस थाने के किसी भी पुलिसकर्मी से अगर कोई शिकायत है और अगर वो उसकी शिकायत का अगर ऊपर कंप्लेंट के ऊपर कॉग्निजेबल डिफेंस होने के बाद FIR दर्ज नहीं करता तो उसको ये पता होना चाहिए कि वो संबंधित DCP को किस सेक्शन के अंदर लिख के कंप्लेंट करे।
और अगर उसको ये वहां से काम अगर FIR दर्ज नहीं होती, जो कि उसका कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, तो वो संबंधित न्यायालय में कौन सी कोर्ट में कौन सा नंबर कमरे के अंदर किस सेक्शन में एप्लीकेशन मूव करे, ये वहां डिस्प्ले पे होना चाहिए। इसके लिए कोई भी किसी भी तरीके का व्यक्ति हो, रईस हो, अमीर हो, गरीब हो, इस देश के नागरिक होने के नाते सबके लिए कॉन्स्टिट्यूशन राइट का अधिकार है, आर्टिकल 227 भी उनका अधिकार है। तो ये चीजें वहां लिखी होनी चाहिए कि अगर आपके साथ पुलिस अगर अपनी पावर का मिसयूज करती है, आपको गैर कानूनी डिटेंशन में रखती है, तो पुलिस के अलावा संबंधित न्यायालय में इस सेक्शन के अंदर वो आप सूचना दे सकते हैं। जैसे पुलिस अगर आपको अरेस्ट करके लाती है और आपके परिवार को 12 घंटे तक सूचना नहीं देती, तो वो 167 ARPC का वायलेशन है। और इस तरह की जानकारी वहां सेक्शन के साथ लिखी होनी चाहिए। ये भी लिखा होना चाहिए कि आप इस न्यायालय में इस कमरे के अंदर वहां जाके अप्रोच कर सकते हैं, अगर उस न्यायालय से आपको इंसाफ ना मिले तो उस ऑर्डर कहेंगे इस सेशन कोर्ट में जा सकते हैं इस सेक्शन के अंदर, और उसमें अगर आपको इंसाफ ना मिले तो इस संबंधित हाई कोर्ट में जा सकते हैं इस सेक्शन के अंदर, अपने अधिकार से जाके अपने अधिवक्ता से बात कह सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे एडवोकेट्स होते हैं जो नए नए एडवोकेट्स होते हैं, कई बार उनको ये कानून की जानकारी पूरी तरीके से नहीं होती, क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस का मैटर भी है। इवन पुलिस वाले भी ये नहीं जानते, जो 30 साल 35 साल 40 साल तक पुलिस वाले जॉब करते हैं उसके बावजूद भी उनको संबंधित पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जरूरत पड़ती है। कोई भी चार्जशीट फाइल होती है तो पहले उसको एक अप्रूवल लेना पड़ता है संबंधित प्रोसिक्यूशन मान से, क्योंकि उनके जांच के अंदर कमियां रह जाती हैं। एक आदमी एक थाने के अंदर 150-200 आदमी होते हैं, उनके ऊपर एक SHO होता है जिसका निर्धारण किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है, उसकी काबिलियत के आधार पर ACP होता है, उसके बावजूद जो है उस चार्जशीट में कमियां रह जाती हैं और एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर से इसका अप्रूवल लेना पड़ता है, प्रोसिक्यूशन ब्रांच से अप्रूवल लेना पड़ता है, तब वो कोर्ट के अंदर आती है। पूरा प्रोसीजर कोर्ट के अंदर वहां पे मैं चाहता हूं कि थाने के अंदर डिस्प्ले होना चाहिए कि अगर कोई FIR कटेगी तो उसकी किस सेक्शन के अंदर उसकी उसके अरेस्ट की जानकारी उसके परिवार को दी जाएगी, कॉग्निजेबल ऑफेंस है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, थाने से बेल होगी, कोर्ट से बेल होगी, किस सेक्शन में बेल होगी, 24 घंटे में उसको कोर्ट के संबंधित न्यायालय में पेश करना पड़ेगा, किस न्यायालय में पेश करना पड़ेगा, अगर 354 का है तो महिला कोर्ट में पेश करेगा, दहेज का केस है तो कहां दर्ज होगा, सारी जानकारी वहां डिस्प्ले होनी चाहिए जिससे कि आम आदमी को सुरक्षा का अनुभव हो, आम आदमी का विश्वास पुलिस की और इस कार्य प्रणाली में बढ़े, जो कि इस जानकारी के अभाव में वो लोग इधर से उधर घूमते रहते हैं और एक लंबा समय न्याय के अंदर बीत जाता है। ये जानकारी उनको होनी चाहिए। ये मैं ये चाहता हूं कि हर थाने में काउंसलिंग सेंटर होने चाहिए, गाइडलाइन दिशा निर्देश होने चाहिए, ₹5 में ₹10 में FIR के साथ उसको एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिलना चाहिए, और चाहे तो सरकार उसको फ्री में प्रोवाइड करा दे, वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दे ताकि वो आदमी इजीली वहां से उसको ले सके। ये बहुत जरूरी है एक न्याय के अंदर, जो कि इस देश के अंदर हर एक आदमी का अधिकार है। और ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट का हवाला लगभग हर एक एडवोकेट देता है जब FIR दर्ज कराना चाहता है 156 ARPC में, जब कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है तो उसका पालन कितना लोग करते हैं और कितनी जगह उसका पालन होता है टाइम के अनुसार, साल भर में 6 महीने में पुलिस एक रिपोर्ट के बाद दूसरी रिपोर्ट, दूसरी बार तीसरी रिपोर्ट, IO चेंज, बहुत गड़बड़ होती है। और पुलिस कई बार क्या होता है कि हमारे बहुत सारे केसेस में रानीबाग थाने से ऐसे केस आए हैं कि जिसके अंदर विटनेस पहले तो कोई मिलता नहीं है, और किसी विटनेस ने अगर कोई वीडियो बना ली किसी क्राइम की तो वो थाने के अंदर ही रख के बैठ गई 10-10, 12-12 साल तक जबरदस्ती, चार्जशीट फाइल होगी लेकिन एविडेंस थाने में, उनको पता है कि अगर मोबाइल के अंदर से एविडेंस खत्म हो जाएगा FSL से लिख के आ जाएगा कि मोबाइल चालू नहीं हो रहा, और ये सब काम पुलिस बहुत प्लानिंग से करती है। तो इस सब तरह की बारीकियों को हम आपके साथ साथ साझा कर रहे हैं, और अपने रोनी कोर्ट बारिशों को इन सभी अधिवक्ताओं को भी धन्यवाद करते हैं जिनके द्वारा मुझे जानकारी प्राप्त हुई। और मैं ये चाहूंगा कि आने वाले दिनों के अंदर इसके ऊपर सरकार सोचे और इस तरह की जानकारी हर एक थाने के अंदर होनी चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि वहां पे कुछ एडवोकेट्स के भी नंबर होने चाहिए, जो कि अगर आदमी जैसे एक पुलिस के असिस्टेंस के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, ऐसे रोनी कोर्ट बार एसोसिएशन में बहुत सारे एडवोकेट्स हैं, तो उन एडवोकेट्स में से भी कुछ एडवोकेट्स के नंबर मैं ये जरूर चाहूंगा कि डिस्प्ले होने चाहिए और उनको सरकार इसके लिए कुछ पैसा भी दे, ताकि अगर किसी व्यक्ति को अगर अपने कानूनी अधिकार जानना चाहे तो वो वहां से उनसे पता कर सके। पुलिस के अलावा ऐसे लोग वहां पे होने चाहिए लॉ के, जो लोग उनकी मदद कर सके। और ये काम दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री और हमारी केंद्र सरकार के
जो मंत्रालय है, कानून मंत्रालय, आदरणीय डॉक्टर रविशंकर प्रसाद जी उसके मुख्य मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो भी इस तरफ सोचे, और समस्त लोगों के जो विचार हैं वो अपने कमेंट बॉक्स में इसमें कर सकते हैं, जो कि बहुत जरूरी है। इसी के साथ शब्द विराम देते हैं। जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।